हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, कैसे चल रहा है आप लोग का रिवीजन? ठीक से याद कर रहे हैं आप लोग ये सब जो क्लास में पढ़ाई होता है? ओके, तो मेरे को कोई बताओ PbCrO4 का कलर क्या होता है? अभी आप बताइए। सर येलो। येलो, ठीक है। ओके देन, ओके श्रेया, आप मेरे को बताइए MNS का कलर क्या होता है? ब्लैक। नहीं, पिंक। पिंक, ठीक है। ओके देन रिचा, आप बताइए COS का कलर क्या होता है? सो ब्लैक। ब्लैक, ठीक है। ओके और कौन है? मयंक, आप मेरे को बताइए CDS का कलर क्या होता है? येलो। येलो, ठीक है। और लेयर टेस्ट में हमारा सॉल्वेंट कैसा होता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ओके, विल टेल दिस। अभी आप बताइए लेयर टेस्ट में हमारा सॉल्वेंट क्या होता है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम लोग किसको लेते हैं? ये करेक्ट आंसर नहीं है अभी। हमने कल क्लास में बताया था ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं ना। ठीक है, ओके। तो फिर अभी आप बताइए इसमें अलग अलग अनायंस हमारे क्या क्या कलर देते हैं? ठीक है, क्लोरीन क्या कलर देता है, ब्रोमीन क्या कलर देता है, आयोडीन क्या कलर देता है लेयर टेस्ट? आयोडीन ब्लू। आयोडीन ब्लू नहीं, ब्लू नहीं होता है। अंक आप बताइए। सर आयोडीन वायलेट। आयोडीन वायलेट,
आयोडीन इज वायलेट ठीक है देन ब्रोमीन ब्राउन ब्रोमीन इज ब्राउन देन सीएल माइनस सर नहीं पता ये कलरलेस होता है दिखाया था ना फिगर भी बनाया था तो क्लोरीन इज कलरलेस क्लोरीन इज हैविंग रेडिश ब्राउन आयोडीन ओके देन रिचा आप बताइए क्रोमाइन क्लोराइड में व्हाई क्रोमाइन क्लोराइड इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन याद नहीं अरे ऐसे कैसे चलेगा अच्छा एटलीस्ट ये बताइए ब्रोमाइन क्लोराइड टेस्ट में हम कौन सा एनायन टेस्ट करते हैं सल्फाइड या फिर ऑक्साइड या फिर क्रोमेट डाइक्रोमेट कौन सा एनायन चेक करते हैं यहाँ पर Cr2 यहाँ पे हम लोग क्लोराइड की टेस्ट करते हैं सोया सॉरी रिचा क्लोराइड आयन डालते हैं ना ये तो हमारा सॉल्यूशन में होता है ये तो हमारा रिएक्टिंग एजेंट है नाम में क्रोमाइल लिखा तो फिर सीआर हो जाएगा से गेस वर्क नहीं चलता इधर ठीक है लोग ठीक से रिवाइज किया करो तो चैप्टर तो हम कंप्लीट कर देंगे कुछ होगा नहीं ठीक है तो कल हम लोग क्या देख रहे थे आयोडाइड आयन के बारे में देख रहे थे आयोडीन का एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये जेई में पूछ भी चुका है ठीक है This is test with COSO4. तो COSO4 के साथ यहाँ पे आयोडीन हमारा क्या करता है एक redox reaction देता है, ठीक है? CU plus 2 I minus है, CU plus 2 को reduce करता है, CU plus में I minus gets oxidized to I2, ठीक है? और similar redox reaction आपके ये anions भी देते हैं, ठीक है? CN minus, H2O3 2 minus और I minus. तीनों क्या करेंगे similar reaction show करेंगे. मतलब CU plus 2 को CU plus पे reduce करेंगे, ठीक है? फिर जो बचा हुआ iodine है, वो हमारे इसके साथ react करके white PPT देगा CU2 I2 का. CU2 I2 is white in color यहाँ पे figure में आप देख सकते हैं. And iodine जो है, वो further unreacted I minus से I3 minus का brown coloration देता है, ठीक है? This is your I3 minus का brown coloration. और चूंकि ये पीपीटी और ये कलरेशन है तो ओवरऑल हमारे सॉल्यूशन का कलर क्या होता है ब्राउन होता है ठीक है ब्राउन प्लस व्हाइट इक्वल टू ब्राउन ठीक है तो ये हमारा ब्राउन कलरेशन हो गया इसको जब हम किससे रिएक्ट कराते हैं थायोसल्फेट से थायोसल्फेट तो हमें पता है थायोसल्फेट के प्रेजेंस में क्या होता है I2 गेट्स रिड्यूस्ड टू I माइनस ठीक है तो ये I3 माइनस है दिस I3 माइनस इज नथिंग बट I2 प्लस I2 plus I minus और H2O3 2 minus ने क्या किया हमारे I2 को किसमें convert कर दिया I minus ठीक है ये I minus हो गया हमारा और ये हमारा क्या हुआ oxidize हो गया from plus 2 to plus 2.5 तो इस तरह से redox होता है फिर हमारा brown solution जो है वो white PPT में बन जाता है तो ये white PPT actually पहले भी present था इधर ध्यान से देखो आप CU2 I2 already उधर था ठीक है लेकिन I3 माइनस के ब्राउन कलर के कारण वो हमें ब्राउन जैसा दिख रहा था लेकिन अभी क्या हुआ है अभी वो पूरा का पूरा व्हाइट हो चुका है ठीक है इज इट क्लियर टू एवरीवन बोलो आपको ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको याद रखो ठीक है अगला अनायन है हमारा बोरेट अनायन ठीक है बोरेट अनायन के ज्यादा टेस्ट नहीं है सबसे पहला टेस्ट है टेस्ट विद एसिड H2SO4 के साथ या फिर HCl के साथ आप क्या कर सकते हैं इसको रिएक्ट करा सकते हैं ठीक है H2SO4 के साथ क्या होगा H3BO3 के वार्म और वाइट फ्यूम्स बनेगा और इसके साथ HCl के साथ क्या होता है वाइट सॉलिड मिलेगा ठीक है H3BO3 का प्रेसिपिटेट मिलेगा यहां पे दिस इज द फर्स्ट टेस्ट टेस्ट विद एसिड
then next is your this reaction is very very important. ठीक है ये रिएक्शन क्या है H3PO3 हमारा हीट करने पे HBO3 पहले मेटाबोरिक एसिड में बनता है फर्दर हायर टेम्परेचर पे इसको हीट करना तो पाइरोबोरिक एसिड और इसको हीट करो तो फिर पूरा एनहाइड्राइड बन जाता है P2O3 को हम लोग बोरोन 6P ऑक्साइड भी बोलते हैं 6P ऑक्साइड तो सेस्पी का मतलब लैटिन में होता है 1.5 ठीक है यहाँ पे लिख सकते हैं सेस्पी इज इक्वल टू 1.5 तो देखो यहाँ पे जो B2O3 है इसको अगर कायदे से हम लोग लिखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं BO1.5 ठीक है तो इसलिए इसको बोरोन सेस्पी ऑक्साइड बोला जाता है सेस्पी मतलब 1.5 जैसे 100 साल में कोई चीज एक बार होता है तो उसको सेंटेनियल एनिवर्सरी बोलते हैं ठीक है 100 साल 100th एनिवर्सरी सिमिलरली 150 साल बाद अगर कुछ होता है तो दैट इज सेस्क्विसेंटेनियल एनिवर्सरी ठीक है जैसे गांधी जी का पिछले साल था आप लोग हावड़ा स्टेशन पे देखे होंगे सेस्क्विसेंटेनियल एनिवर्सरी ऑफ गांधी इस तरह से सो लाइक दिस सेस्क्वि मतलब होता है 1.5 देन नेक्स्ट इज योर टेस्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सम अल्कोहल ठीक है तो अल्कोहल के साथ इसको अगर आप बर्न करो तो ये ग्रीन एज का फ्लेम देता है दिस इज समथिंग दैट इज यूनिक टू बोरेटानायन ठीक है दूसरा कोई एनायन ऐसा आपके साथ किसी एसिड किसी अल्कोहल के प्रेजेंस में एसिड के साथ ग्रीन कलर का फ्लेम नहीं देता है ठीक है तो यहाँ पे हमने फोटो भी दिखाया है फोटो में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का क्या होता है PO3 POR होल थ्री ओ आर आर इज एनी अल्काइल ग्रुप ठीक है जो भी आप अल्कोहल डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है कंपाउंड बन जाता है और ये जो बर्न करता है तो दिस बर्न्स विद अ ग्रीन एज फ्लेम इसके अलावा सिमिलर टेस्ट हमारे ये दोनों कटायंस भी देते हैं ठीक है तो इसलिए हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करने से पहले क्या करेंगे Ba+2 और C+2 का टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे कि वो कहीं हमारे ग्रीन कलर इनके कारण तो नहीं आ रहे और हमको टेस्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं CaF2 डाल देते हैं हम लोग इन प्लेस ऑफ दिस अल्कोहल क्योंकि अगर इस अल्कोहल के साथ हम करें तो ग्रीन एज फ्लेम हमारा इन कटायंस हेलो तो BF3 यहाँ पे इमिट हो जाता है अगर हम CF2 रिलीज करें ठीक है CF2 के साथ अगर ये रिएक्शन करें देन नेक्स्ट इज अ टेस्ट विद AgNO3 AgNO3 के साथ AgBO2 का वाइट ग्रुप से जरा वो हीट करना है कलर का Ag2O तो आउट ऑफ ऑल दिस टेस्ट दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट दिस इज इसको नंबरिंग हम कर लेते हैं दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन This is the second most important reaction. This is third most important reaction. और ये अगर आपको नहीं भी याद हो तो चलेगा ऊपर वाले तीन बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद होना इसके अलावा आपके छोटे मोटे आयन आ रहे हैं फ्लोराइड आयन है ठीक है फ्लोराइड आयन का एक ही टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है दैट इज इचिंग टेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ H2F2 बनाता है ठीक है यहाँ पे हम लोग H2F2 लिखते हैं नॉट HF क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो इक्विवेलेंट टू अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कोवेलेंट ठीक है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में बस ऐसा होता है बिकॉज क्लोरीन इज सो मच इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर इस एच एफ को हम लोग क्या करते हैं SiO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं SiO4 बन जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉइस्ट गैस से पास करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और अपने को क्या बन जाता है सिलिसिक एसिड अपने पास मिल जाता है फ्रॉम ऑफ व्हाइट फ्यूम्स व्हाइट फ्यूम्स ऑफ सिलिसिक एसिड आपको कुछ कमी देते हैं सब चीज बाद में फिर ये सब टेस्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं उतना हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला टेस्ट Ca+2 के साथ CaF2 बना रहा है व्हाइट MgF2 बना रहा है व्हाइट इसके अलावा बाकी सारे फ्लोराइड्स क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं तो बस Ca+2 Mg+2 ऐसे का टेंस है जिसके साथ आपको PPT मिलेगा नेक्स्ट इज अ टेस्ट विद FeCl3 तो ये टेस्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं आप लोग याद करो ये टेस्ट हम लोगों ने कहां देखा था
ये कंपाउंड हमने कहाँ देखा है? अभी रिसेंटली कल परसों में देखा है ये चीज। किसी को याद है? श्रेया नयन बोलो याद नहीं आ रहा है? ठीक है, आपको नोट चेक कर लो हम बता भी सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर नोट्स देखो तो पलट के फिर हम कर यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इस कंपाउंड को अगर आप SCN- माइनस से रिएक्ट करो तो यहाँ आपको क्या मिलता है? ब्लड रेड कलरेशन। तो यही पे हम लोगों ने क्या किया था, इसको देखा था। ब्लड रेड कंपाउंड में अगर फ्लोराइड आयन पास करो आप तो क्या होता था? ब्लड रेड कलरेशन हमारा कलरलेस बन जाता था बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PF6-3-. दूसरा क्या तरीका होता था उसको ब्लड रेड को कलरलेस बनाने का? और कोई अनायन डाल के ऐसा कर सकते हैं क्या? FeSCN3 ठीक है, इसका जो ब्लड रेड कलरेशन है, फ्लोराइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कलरलेस बना सकते हैं। आई डोंट नो मैंने ये चीज लिखा है कि नहीं, या फिर आप दूसरा कटायन डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCSCN2 ये वाइट, ये भी कलरलेस होता है। या फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऑक्सलेट अनायन डाल सकते हैं। नहीं, ऑक्सलेट के साथ ठीक है, तो ये दोनों होना होगा, इसको कलरलेस बना लेंगे। ऑक्सलेट के साथ ब्राउन हो जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट इज योर टेस्ट फॉर ऑक्सलेट्स अनायन। ऑक्सलेट्स के साथ क्या होगा? सबसे पहले एसिड के साथ रिएक्ट करके H2C24 ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। ऑक्सैलिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड, सबको पता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है COX-COH। यूज कहां करते हैं ये किसी को पता है? ऑक्सैलिक एसिड वेयर इट इज यूज्ड? तो इसको हम लोग यूज करते हैं इंक रिमूवर में। पेपर पे अगर इंक का कहीं मार्क लगा हो तो उसको ऑक्सैलिक एसिड से यूज करके क्या होता है, देन इस ऑक्सैलिक एसिड को अगर आपने हीट किया तो दो टाइप की गैसेस आपकी रिलीज होगी, CO2 और CO। तो C2O4 इज द ओनली एनायन, ये जो बोल रहा है इट इज द ओनली एनायन, जिससे क्या होता है दो तरह की गैसेस निकलती है, CO एंड CO2। ओके, तो इससे रिलेटेड टेस्ट आप देख सकते हैं, BSC2O4 आपका व्हाइट होगा, CSC2O4 आपका व्हाइट होगा। ये सब चीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ डिसॉल्व होगा कहाँ नहीं होगा, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग सेफली। टेस्ट विद AgNO3, AgC2O4 हमारा व्हाइट होता है, ऑक्सलेट की हीटिंग करने पे Ag2O और ये बनेगा। फिर इसको फर्दर आप हीट करो तो पता है Ag2O का ऑक्साइड क्या होता है, एफिनिटी लो है इसकी Hg और Ag की, तो ये फर्दर फिट हो सकता है Hg+। तो इस तरह से आपका डिकम्पोजिशन होता है किसका, सिल्वर ऑक्सलेट का। इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन से शो कर सकते हैं, ठीक है, बहुत पॉपुलर रिडॉक्स रिएक्शन है ये, दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम रिडॉक्स रिएक्शन हमने उधर भी पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में, जब हम लोग 11th में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते थे। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली तीन इफेक्ट होता है उसका, ठीक है। सबसे पहला वो किसी भी असॉल्ट को एक सॉल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, स्टेनस को स्टेनिक में, फेरस को फेरिक में, ठीक है, प्लम्बस को प्लम्बिक में, लाइक दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, वो किसी भी आइट सॉल्ट को एट सॉल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्राइड टू नाइट्रेट, ठीक है, लाइक दिस। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने यही पढ़ा था कि हमारा ये जो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, C2O4-2- को किसमें कन्वर्ट करता है, CO2। दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये आप लोग क्या करो इसको याद रखो, ठीक है।
तो अभी हम लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो इसलिए आपको नया चीज बहुत कम मिलेगा अगर आप ध्यान से देखते चलो, तो अधिकतर चीज ऐसे ही है जो कहीं ना कहीं आपको आ चुका होगा। फिर हमारा क्लास बी सब ग्रुप वन आता है। सब ग्रुप वन में वो हमारे अनायंस थे जो कुछ वोलेटाइल कंपाउंड रिलीज नहीं करते, बट दे फॉर्म सम प्रेसिपिटेट्स। उसमें सबसे पहला अनायन है हमारा सल्फेट अनायन। सल्फेट अनायन खूब सारी पीपीटी बनाता है, BaSO4, PbSO4, Ag2SO4, HgO.HgSO4। मोस्टली सल्फेट्स आर व्हाइट। ठीक है, जनरली हमारे क्या होते हैं सल्फेट्स व्हाइट होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन आ जाता है जैसे ये हमारा आ गया येलो। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपसे याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ज्यादा परेशान होने वाली बात। देन नेक्स्ट इज योर टेस्ट विद BaCl2 इन MnO4-. ठीक है, तो नोटिस करो वाल्को, यहाँ पे BaSO4 का कलर क्या है, व्हाइट है। ठीक है, लेकिन इस केस में जो BaSO4 आपको मिलता है इफ यू आर यूजिंग इट इन प्रेजेंस ऑफ MnO4-, तो जो प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा वो क्या होगा, पिंक कलर का होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन हाउ कैन BaSO4 बी पिंक। क्वेश्चन पिंक हमारा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे MnO4 चुकी है हमारे पास सॉल्यूशन में, तो कुछ MnO4- को ये हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या करता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका कलर पिंकिश लगता है आपको, लेकिन असल में BaSO4 का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। इज इट क्लियर टू यू? यस। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग इज योर MnO4-. MnO4- चलो ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग याद रखना, इसका शायद इधर से कुछ लेना देना है क्या, नहीं ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसका हमारे टेस्ट से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, आप लोग याद रखो ये रिएक्शन। अच्छा एक चीज बताओ बंधु, कल हम लोगों ने वो KI स्टार्च पेपर देखा था, KI स्टार्च पेपर को कौन ग्लू करता है, कौन सा आना है एक और चीज आप याद रखो, बेसिकली आपको करना क्या है, I- को I2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और जो भी चीज इस I- को I2 में कन्वर्ट कर पाएगा वो क्या करेगा, हमारे स्टार्च पेपर को ब्लू कर देगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लोराइड इज वन ऑफ देम, H2O2 भी होता है। ठीक है, इसके अलावा I- को I2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ Cu+2 आयंस भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा Cu+2 को क्या करता है, I2 में व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, तो Cu+2 भी आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स हैं जो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्या करेंगे, स्टार्च पेपर को ब्लू कर देंगे। Is it clear to everyone? अभी मेरे को ये देख के आया, आपका शायद लास्ट पेपर में ही आया था, लास्ट टेस्ट में किया है स्टार्च पेपर को, H2O2 और कैंसर। नेक्स्ट इज योर फॉस्फेट अनायन। फॉस्फेट अनायन का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आपका ये है, ठीक है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ठीक है, MOO4, यहाँ पे इट इज मोर और लेस लाइक KMnO4 ओनली इन स्ट्रक्चर, तो MOO4 मोलिब्डेट होता है यहाँ पे। इसको अगर आप HNO3 के साथ हीट करो तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनता है दैट इज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। और इसका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, NH4O3PO4, ये आपका ये हो गया, इसके अलावा 12MOO3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका कैनरी येलो कलर की पीपीटी मिलती है। ठीक है, तो ये जो ट्वीटी आप बचपन में देखते थे, सिल्वेस्टर एंड ट्वीटी मिस्टरीज, तो इसी के कलर का क्या होता है, आपका प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, कैनरी येलो। तो हाँ, ये कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ना देके कभी कभी इस फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, सारे ऑक्सीजन एक जगह कर लिए, सारे फॉस्फोरस एक जगह कर लिए, या फिर इस फॉर्म में दे सकता है। ठीक है,
तो ये सब देख के आप कंफ्यूज मत होना, आपको स्ट्रक्चर सॉरी इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. दिस इज NH4O3PO4.12MOO3 एंड दिस पीपीटी इज येलो इन कलर. ठीक है, अगर किसी को स्ट्रक्चर जानने में इंटरेस्ट हो तो इधर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई एम टेलिंग इन एडवांस. और मेरे से मत पूछना कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड कैसे बना रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है. ठीक है, तो ये सब एमओटी से एक्सप्लेन होता है, वो सब आपके सिलेबस के बहुत बाहर है. हमने बस डराने के लिए स्ट्रक्चर दे दिया ताकि आपको ये देख के कम से कम फॉर्मूला याद हो जाए. ठीक है, सो दिस वॉज द टेस्ट ऑफ योर फॉस्फेट अनायन. ठीक है, सिमिलर टेस्ट हमारा क्या करता है, आर्सेनेट अनायन भी देता है. ठीक है, आर्सेनेट आप नोटिस करो पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक सब क्या आते हैं, सेम पीरियड में आते हैं. तो फॉस्फोरस अगर ये टेस्ट दे रहा है, आर्सेनिक भी दे देता है. दिस इज जस्ट अ हैप्पी कोइंसिडेंस, ऐसा नहीं है नाइट्रोजन देगा. ठीक है, दिस इज जस्ट अ हैप्पी कोइंसिडेंस कि आर्सेनेट आपका क्या हो रहा है, दे रहा है. यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, this is not MnO4, this is MOO4. ठीक है, ये भी आपका क्या है, मॉलिब्डेट है. ठीक है, और यहाँ पे 12H2O नहीं होगा, यहाँ पे 12MOO3 होगा. ठीक है, like, तो यहाँ पे अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट बनता है, यहाँ पे अमोनियम आर्सेनो मॉलिब्डेट बनेगा. ठीक है, आर्सेनो like, और इसकी व्हाइट पीपीटी होती है. ठीक है, ये कैलोरी येलो नहीं होता, व्हाइट होता है. So these are the tests for your phosphate. ठीक है, precaution इसमें एक है, precaution में हम लोग पहले HNO3 add करते हैं ताकि अगर कोई भी reducing radical present हो तो वो क्या हो जाए, oxidize हो जाए, जैसे sulfide या फिर sulfate. ठीक है, इसको हम लोग हटा लेते हैं पहले, नहीं तो अगर if it is not done. ठीक है, नाइट्रेट आपने नहीं डाला तो ये रिएक्शन हो जाएगा, फिर आपको कैनरी येलो नहीं ब्लू कलर का कुछ मिल जाएगा. ठीक है, तो हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग टेस्ट अच्छे से करना चाहते हैं. तो हमने क्या किया, पहले ही नाइट्रोजन HNO3 ऐड कर दिया. तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, HNO3 हम लोग डाल रहे हैं लेकिन HNO3 इधर कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो रहा है, सीधे सीधे NH4 से जाके ही अपना सॉल्ट बना पा रहे हैं. तो नहीं, कुछ कुछ ये हीटिंग काम कर रहा है जो मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है, विच इज लाइक ये सल्फेट और थायोसल्फेट को हटाने का काम कर रहा है. बात समझ में आ रही है सबको, बोलो बोलो. ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट टेस्ट इज टेस्ट विद मैग्नीशिया मिक्सर. मैग्नीशिया मिक्सर हमारा क्या होता है, MgCl2 NH4OH और NH4Cl का मिक्सर होता है. ठीक है, तो ये मिला के क्या बनाता है, मैग्नीशियम अमोनियम मैग्नीजो फॉस्फेट. अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट ऐसा बोलते हैं, अमोनियम मैग्नीशियम. और फॉस्फेट्स की हीटिंग में हमने देखा था, अगर ऑड नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो तो क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर होता है कि इंटरमोलिक्यूलर, बताओ. ऑड नंबर ऑफ आयनाइजेबल पाइरो बनता है. ठीक है, और इंट्रा नहीं होता है, इंटर होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में से वाटर निकलता है, क्योंकि एक में से पूरा दो H2 निकल नहीं सकता, हमने एक्सप्लेन किया था ना. तो आप गलत बता रही है, इसको ध्यान से करो. तो यहाँ पे हम लोग को इसको अगर हीट करो, आप ध्यान से देखो आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितना है, एक ही है इसके पास, NH4+ के पास. ठीक है, तो इसीलिए ऑड में आ गया, ऑड के कारण हमारा क्या बन गया, इधर पाइरो बन गया. बात समझ में आई सबको, तो इसको सबको अच्छे से रिलेट करके चलो, तो अच्छे से दिमाग में बैठे रहेगा. फिर और कुछ कुछ टेस्ट है आपके फॉस्फेट्स के. ठीक है, तो ये कलर आपको याद कर लेना, येल्लो येल्लो वाइट वाइट वाइट, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. पिछले वाले वो कैनरी येलो वाला और मैग्नीशिया मिक्सर वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसको भी याद कर सकते हैं. हालांकि ये टेस्ट किसी काम का नहीं है, क्योंकि Ag+ के साथ ऑलमोस्ट सारे ही अनायंस क्या देते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं. बेरियम के साथ सभी व्हाइट देते हैं, Pb+2 के साथ लगभग सभी व्हाइट देते हैं, एल्युमिनियम के साथ सभी व्हाइट देते हैं, तो ये उतने काम का टेस्ट नहीं है. ठीक है, कैनरी येलो इज समथिंग कैरेक्टरिस्टिक, कैनरी येलो जैसे ही दिखे आपको हिट होना चाहिए, अच्छा फॉस्फेट या फिर आर्सेनेट. ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट इज योर CrO4 2-. दिस इज योर क्रोमेट अनायन. क्रोमेट्स आर मोस्टली वाटर सॉल्युबल, कुछ कुछ क्रोमेट होते हैं हमारे जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते. ठीक है, जब BaCl4
येलो हो जाएगा, PbCrO4 क्या होगा ये भी येलो हो जाएगा, Ag2CrO4 ब्रिक रेड होगा, Hg2CrO4 रेड होगा, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कुछ PBTs है, कुछ कुछ क्रोमेट्स है विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इसके अलावा ये होता है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्रोमेट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमेट को H2O2 के साथ हम एसिड के प्रेजेंस में डालते हैं तो क्या होता है, ब्लू कलर का आपका क्या बनता है, CrO5, ठीक है, CrO5। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत रिसर्च किए थे वहां पे, तब जो पढ़ रहे थे हम लोग एन फैक्टर रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसपे पेरोक्सी बॉन्ड है, तो इस दोनों पे इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1, -1, -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो क्रोमियम का आ जाता है +6, ठीक है। ये तो कायदे से अगर निकालो -2 × 5 + Cr + x = 0, x की वैल्यू क्या आती है +10 आती है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्रोमियम का +6 के ऊपर नहीं जा सकता, तो हम लोग उसके बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हमने ब्लू कलर की बटरफ्लाई डाली ताकि आपको याद रहे, ये बटरफ्लाई बॉन्ड बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई बॉन्ड, ठीक है। और इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है CrO4 का, उसके अंदर ब्लू कलर की बटरफ्लाई डाली। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसलिए लेते हैं कि ईथर वगैरह अगर कुछ रहेगा तो हमारा क्रोमियम के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो क्रोमियम हमारा क्या होगा, स्टेबल रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो CrO5 के अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। अगर 3D में आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऑक्सीजन क्रोमियम और ये ऑक्सीजन, तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब नीचे से ईथर आ जाए ईथर के साथ, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा खुल जाता है, ठीक है, लाइक दिस। तो उसके बाद आपका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसे हो जाएगा, तो दिस एंगल स्ट्रेन आपका क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए वी यूज ईथर एज अ सॉल्वेंट। अगर ईथर सॉल्वेंट नहीं लेंगे तो इसकी जनरली टेंडेंसी होती है, दिस इज वेरी अनस्टेबल, ये तुरंत टूट जाता है, यहाँ पे जैसे लिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन में ही टूट जाता है, ठीक है, Cr2O3 और ऑक्सीजन बना के, और फिर अगर एसिडिक मीडियम ले लिया तो फिर रिडक्शन भी हो जाएगा Cr+3 ग्रीन कलर का। तो इसलिए हम लोग इसको स्टेबल बनाने के लिए, ताकि ब्लू कलर अपने को दिखे, ये कंपाउंड हमारा स्टेबली रहे, इसलिए हम लोग सॉल्वेंट क्या लेते हैं, ऑर्गेनिक लेते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसके सारे रिडॉक्स रिएक्शन SO2, H2SO2 सारे रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, ठीक है। ये वाला एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, अल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है ये एल्डिहाइड को, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। तो दिस वाज द लास्ट अनायन, इसके साथ आपका अनायंस खत्म हो गया है। अच्छा ना, बहुत अच्छा, ठीक है। MnO4-, दिस इज आल्सो वेरी इजी, हम लोग देखते आ रहे हैं इसको, दिस इज यूजुअली पर्पल इन कलर, और SO2 के साथ सिमिलर रिएक्शन, ये सब रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। HCHO के साथ क्या करता है ये, यहाँ पे भी रिएक्शन आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, जस्ट लाइक योर डाइक्रोमेट। इसके अलावा H2O2 के साथ इसका एक रिएक्शन। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट, ये सब कुछ कुछ रिएक्शंस लिखे हैं इसके, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे होता है, अच्छा, तो हमारा सॉरी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, +7 से ये +6 और +4 में क्या होता है, रिड्यूस होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। आई थिंक दिस रिएक्शन इज देयर इन NCERT आल्सो, NCERT में शायद डी ब्लॉक में ये रिएक्शन होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये जो कंपाउंड होता है हमारा ग्रीन कलर का, इसको अगर आप एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में डालो तो फिर से आपका ये डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
बोलो बोल को आगे बढ़े। यस सर। तो इसी के साथ आपके अनायंस कंप्लीट हो गए, अगली क्लास से हम लोग कटायन शुरू करेंगे, ठीक है? किसी को कुछ डाउट पूछना है? या अगर डाउट पूछना है तो ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है? और मे बी आज हम आपको कॉल करेंगे थोड़ा बिटवीन 12 to 2, थोड़ा देखने के लिए क्या सब चल रहा है, ठीक है? ऑल द बेस्ट।